टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन का मूलभूत आधार या जीवन की मूलभूत इकाई। आपका टॉपिक है जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की आधारभूत इकाई ये वाला टॉपिक चल रहा है अपना जीवन की आधारभूत इकाई। तो अपन ने देखा कोशिका क्या होती है, कोशिका कहेंगे किसे, कोशिका की खोज किसने की थी, इसके अलावा कोशिका में कौन कौन से अंगक होते हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, और लास्ट में देखा था अपन ने केंद्रक। तो जो कोशिका होती है उसमें एक टॉपिक देखा था अपन ने केंद्रक। कोशिका होती है कोशिका के अंदर, इसमें पहला देखा था अपन ने केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का कंट्रोलर होता है, या कह सकते हैं कोशिका के जो कंट्रोल वाले कार्य होते हैं वो सब कौन करता है, आपका केंद्रक करता है। आज अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या आपका कोशिका का एक अंग है, ठीक है। तो अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल्स होता है जिसपे दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जिसपे क्या पाई जाएगी, आपकी दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या पाई जाएगी, आपकी डबल झिल्ली पाई जाएगी, दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। जो उसकी आंतरिक झिल्ली होगी, जो आंतरिक झिल्ली होगी वो वल्लित होके फोल्ड होके क्या बनाएगी, आपकी पृष्ठि का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, ये जो दिख रही है क्या कहलाते हैं आपके, पृष्ठि। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिका है, उसके चारों ओर क्या पाई जाएगी, आपकी दोहरी झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। ये बाहरी झिल्ली है और ये क्या आपकी आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली। दूसरा क्या आपकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली क्या होगी, आपकी फोल्ड होके इकट्ठे होके किसका निर्माण करेगी, आपकी पृष्ठि का। ये है आपकी आंतरिक झिल्ली। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अंदर क्या पाया जाएगा आपका मैट्रिक्स पाया जाएगा। क्या होगा आपका मैट्रिक्स, जो द्रव भरा होगा उसे क्या कहेंगे अपन, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसमें खुद का क्या होगा आपका, डीएनए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ का डीएनए होता है, आरएनए होता है, और क्या होंगे आपके राइबोसोम्स होंगे। क्या होंगे आपके, राइबोसोम होंगे। तो अपन ने देखा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, ऐसा कोशिकांग होगा जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो अपन ये चीज लिखेंगे, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है मतलब डबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, ये कवर्ड होगा, दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। दूसरा क्या होगा, खुद का डीएनए होगा, डीएनए व आरएनए होंगे, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, और क्या होगा आपका, राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम होगा जो कितने प्रकार का होगा, 70S प्रकार का, ठीक है। अब देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो कोशिका का एक ऐसा अंग है जिस कोशिका में जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये इसका तात्पर्य क्या है, जिसमें जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी, उसको समझो। जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जो भी भोजन लिया है उसका क्या होता है, जैसे ये भोजन है, भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और क्या मुक्त होती है आपकी, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होगी आपकी, ऊर्जा मुक्त होगी। भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण से क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी।
माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी के बारे में बताती हूँ, एटीपी की फुल फॉर्म होती है, पूछा जाता है एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा, एटीपी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, जैसे अपने क्या होता है, एटीएम होता है, जैसे पैसे चाहिए तो कहाँ जाते हैं अपन? एटीएम के पास। वैसे ही कोशिका को अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ जाएगी? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे एटीपी और आपके ऊर्जा मिल जाएगी किसको? हर कोशिका को। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे कौन कौन से कोशिकाएं हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो मोस्टली को किस किस का नाम आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक, ऐसे कोशिकाएं हैं जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब यहाँ है डीएनए और आरएनए, इनकी फुल फॉर्म देख लो। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए क्या होता है आपका? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ से मतलब है आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। किसी भी जीव में जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण का मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके आनुवंशिक लक्षण। तो डीएनए क्या करता है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। अब देखते हैं डीएनए की फुल फॉर्म। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की क्या आपके फुल फॉर्म है? ठीक है, दूसरा आया था आपके आरएनए। आरएनए इसकी फोर फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये करता क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। अब देखो अगर किसी भी कोशिका में खुद का डीएनए होता है तो वो अपनी जैसी फोटोकॉपी बना सकती है, बना सकता है, या अपने जैसा नया जीव बना सकता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से बन जाएगा। ये है आपके डीएनए का मेन काम। आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं आपके? तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये तीन प्रकार के आरएनए आपके पाए जाते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके कोशिका द्रव्य में। तो अपन ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको एटीपी के रूप में स्टोर करता है। एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। आंतरिक झिल्ली फोल्ड होकर किसका निर्माण कर लेती है? सृष्टिका। और इसमें पाए जाते हैं आपके F1 कण। अभी आपके हैं नहीं, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप क्या होता है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और इसका मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना। इसका मुख्य काम क्या है? आपके ऊर्जा प्रदान करना। अब अगला देखते हैं अपन, अगला कौन सा कोशिका है आपका? Thank you.
कोशिका में अगला देखते हैं अपन राइबोसोम। राइबोसोम इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होंगे आपके? प्रोकैरियोटिक सेल लिख देती हूँ मैं, इसका मतलब कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से होंगे? 70S प्रकार के। एस का मतलब है श्वेत वर्ग इकाई, ये एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके नाम से बनाई गई है इकाई, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे होंगे? यूकैरियोटिक सेल में कैसे होंगे आपके? 80S प्रकार के। कौन से प्रकार के होंगे? 80S प्रकार के, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये दोनों सब यूनिट में दो टुकड़ों से मिलके बने होते हैं। अब देखो, अब अपन देखते हैं इसकी संरचना। संरचना कैसी होगी इसकी? राइबोसोम, राइबोसोम में दो इकाइयां होती हैं, एक छोटी इकाई और एक क्या होगी आपकी? बड़ी इकाई। इसको छोटी इकाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़ी इकाई। ये दोनों मिलके क्या करते हैं आपके? राइबोसोम का निर्माण करती है। ये दोनों इकाइयां तभी जुड़ेगी जब प्रोटीन संश्लेषण करना। ये इकाइयां कब जुड़ती है? जब प्रोटीन संश्लेषण करता हूँ। प्रोटीन संश्लेषण के समय समय ही जुड़ती है। ऐसे क्या होगी, जैसे आपकी ये कोशिका, इसमें ये इकाई यहाँ पड़ी है, ये इकाई यहाँ पड़ी, पर जैसे ही आपको मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा कि आपको प्रोटीन संश्लेषण करना है, तो ये इकाइयाँ आपस में जुड़ जाएगी। और इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? श्वेत वर्ग यूनिट, श्वेत वर्ग इकाई, ये लिख दिया मैंने। इनको क्या कहा जाता है आपके? श्वेत वर्ग इकाई। और जो राइबोसोम है उसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ समझना, अभी मैंने आपको आरएनए के प्रकार बताए थे, आरएनए के प्रकार बताए थे मैंने, तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। जैसे ही आपको आरएनए जैसे ही सूचना देगा आरएनए किसको? राइबोसोम को। तो राइबोसोम क्या हो जाएंगे? ये दोनों इकाइयां आयन की उपस्थिति में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, ठीक है। देखो ये क्या आपका मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, इसको इसने सूचना दी। तो ये मैसेंजर आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक तंतु से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यह आपके राइबोसोम आके जुड़ गए, राइबोसोम आके यहाँ पे जुड़ गए, और ये क्या चालू कर देंगे? प्रोटीन संश्लेषण। ये क्या कर देंगे आपके? प्रोटीन संश्लेषण। ये क्या आपके? राइबोसोम। ये कौन है आपके? राइबोसोम्स है, ठीक है। जैसे ही मैसेज मिला तो इनके बीच में मैसेंजर आ रहे थे, इसको एमआरएनए लिख दो आप। जैसे इंफॉर्मेशन मिली कि आपको प्रोटीन संश्लेषण करना है, तो आपके क्या होंगे? राइबोसोम आके ऐसे अटैच हो जाएंगे। ये आरएनए है आपका मैसेंजर आरएनए, और ये किसका निर्माण शुरू कर देंगे आपके? प्रोटीन का। तो इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे अपन? पॉलीराइबोसोम। तो अपन ने देखा कि राइबोसोम वो कोशिकांग है जो
दो इकाइयों से मिलके बना होता है, छोटी छोटी इकाई और बड़ी इकाई। ठीक है, इन इकाइयों को क्या कहते हैं? श्वेत वर्ग यूनिट कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में 78 प्रकार का होगा, यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का होगा। और राइबोसोम का मुख्य काम होता है आपका प्रोटीन निर्माण, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपके प्रोटीन फैक्ट्री। और जब जैसे राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण करने के लिए सूचना मिलती है एमआरएनए में आगे वो क्या हो जाते हैं? आपके जुड़ जाते हैं। और इस कंडीशन को, इस स्थिति को बोलते हैं अपन पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये था आपका राइबोसोम। अब इसके बाद में देखेंगे अपन लाइसोसोम। अगला है आपका लाइसोसोम। ये अपने वो पोस्ट, एक इम्पोर्टेंट चीज ये, राइबोसोम पे कोई झिल्ली नहीं होती है। तो राइबोसोम पे एक लाइन भी लिख सकते हो आप, झिल्ली रहित कोशिकाओं, झिल्ली रहित कोशिकाओं। ये एग्जाम कई बार पूछा जाता है ऐसा कोशिकाओं जिसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।